हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो मैं संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल सान्विक ब्लॉग्स में। तो आज दिन है सोमवार का, और माफ़ी चाहती हूँ कि आप सभी को संडे का ब्लॉग नहीं दे पाए। स्वास्थ्य कुछ ठीक ना होने के कारण दोस्तों संडे का ब्लॉग नहीं दे पाए आपको, और मन आज भी नहीं था, बट कुछ ना कुछ करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही, लेटने से प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती, मेरा मानना है ऐसा। तो हमने सोचा बैठे थे, लाओ चिप्स बनाते हैं, आलू के चिप्स। तो यहाँ पे देखिए, हमने आलू मंगवाए थे पति जी से, उन्होंने 5 किलो आलू ला के दिए थे, उसमें से कुछ आलू हमने छील लिए, और छीलने के बाद जब भी हमने चिप्स जो जिससे काटे आते हैं ना, जिस मशीन से, वो मशीन काफ़ी दिनों बाद हमने यूज़ करी, तो ये जो चिप्स काटने वाला साइड था ये काफ़ी ही ख़राब हो चुका था। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी, चिप्स इससे कट ही नहीं रहे थे, और अगर हमें पहले पता होता तो हम नहीं बनाते, नहीं छीलते, लेकिन अब आलू छिल चुके थे तो इतने चिप्स तो काटने ही थे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से नहीं, पतले साइड से नहीं, इसको चौड़े साइड से काटेंगे तो आपके चिप्स जो हैं वो बड़े बड़े साइज़ के निकलेंगे। वो देखिए, अगर इस तरह से चौड़ी साइड से काटेंगे तो बड़ा चिप्स मिलेगा हमें, तो इसको चपटी साइड से, जो आलू चौड़ा होता है जिस साइज़ से, उस साइड से कट करने की कोशिश करिए। बट ये तो किसी साइड से कट ही नहीं रहा था, बड़ी ख़राब सी मशीन हो गई थी, पता नहीं इसमें बड़े बड़े क्या हो गया। और सिर्फ ग्रेटर हम यूज़ करते हैं इसमें से, ये वाला साइड हमने पूरे 1 साल बाद यूज़ किया, पिछली साल होली पर ही चिप्स कट किए थे, तब तो सही थी, तो इतने तो कट करने ही थे। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक साइड में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी गर्म होने के बाद उसमें हमने जो चिप्स कट किए थे वो ऐड कर दिए और ढक दिया। ढकने के 5 मिनट के बाद देखिए, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि चिप्स जो हैं वो सही से पक गए या नहीं, तो अभी इनमें 1-2 मिनट की कसर अभी बाकी थी, तो हमने दोबारा से इसको ढक दिया, और जब तक यहाँ पे हमने एक सूती चद्दर बिछा दिया ज़मीन पे, तो क्योंकि हमें यहीं पे चिप्स अपने फैलाने हैं। तो अभी हमारे चिप्स बनके तैयार हो चुके हैं। तो हमने किया क्या, ये जो पानी है इसका, ये जो ड्रेन कर लिया, और ये इसको फिकाया नहीं, यही पानी हमने दोबारा से यूज़ किया है। 2 बार में हमारे चिप्स बनके तैयार हो गए थे, तो इस पानी को एक बर्तन में ड्रेन किया था, गर्म पानी को, और वही दोबारा से हमने अपने भगोने में ऐड करके, और जो बाकी के जो चिप्स बचे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए बॉयल होने के लिए। तो इसमें 3 से 4 मिनट लगे, अगर हम दोबारा से पानी गर्म करते तो टाइम ज़्यादा भी लगता और गैस भी बर्बाद होती। इस पानी में हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था, आप चाहे तो सेंधा नमक ऐड करके बना सकते हैं, जिससे कि हम व्रत में भी खा सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके चिप्स को अच्छे से फैला रहे हैं, और थोड़े से गर्म है, जो कि कहीं कहीं पे हाथ भी जल रहा है, बट इसको अगर हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो ये चिपक जाएंगे आपस में, इस वजह से हमें अभी इसे फैलाना होगा गर्म गर्म में ही। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से फैला देंगे, इसके बाद में यहाँ पे धूप कम हो जाएगी, तो इसको हमने छत पर डलवा दिया था सूखने के लिए, तो अच्छे से सूख गए। इसकी जो बॉईल करने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ध्यान में रखना चाहिए हमें, अदरवाइज़ ये काले भी पड़ सकते हैं अगर हम इन्हें सही से बॉईल नहीं करेंगे तो। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सौम्या ने येलो कलर डलवा के बनवाए थे, उनका मन था, तो हमने आधे जो थे उनमें येलो कलर ऐड कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे आयु को कफ सिरप पिला रहे हैं, आयु को भी खांसी हो गई है, और भैया जी को जुकाम हो गया है, सबकी ही तबीयत पता नहीं क्यों एकदम से नरम पड़ गई है, आयु की भी तबीयत ठीक नहीं है, भैया जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी तो 10-15 दिन से तबीयत ऐसी ही चली रही है। हाय दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और जैसे कि होली का त्यौहार आने वाला है और घर में सबकी तैयारियां चल रही हैं, सब लोग अपने अपने घर में व्यस्त भी होंगे कुछ, और हमारी मैडम को आज मैं घुमा के लाया था, हम लोग मंदिर गए थे
किसने किसने सभी लोग अपने अपने घर में तैयारियां कर रहे होंगे, कोई चिप्स बना रहा होगा, कोई पापड़ बना रहा होगा, और घर में भी साफ सफाई चल रही होगी। और जैसे कि हर घर में त्यौहार का सीजन चल रहा है, तो अधिकतर सभी भी व्यस्त होंगे। तो हम भी सोच रहे हैं एक दो डिशेज बनाएं कल और आपके साथ शेयर करें। मठरी वगैरह बना लो, टिकियाँ बना लो, तो और भुजिया वगैरह तो भुजनी वाली दिन बना रहा। चाहे ऐसा कर लो, भुजिया बना लो और भुजनी वाले दिन अलग से पूजा के लिए बना लेना, थोड़ी सी भुजिया भुजनी वाले दिन अलग से बना लेना, बाकी तो पहले से बना लो। बच्चे होते हैं कहाँ मानते हैं, क्योंकि अगर अभी बना के रख लें तो कुछ लोग बच्चे सभी जुटाड़ देंगे। हाँ ऐसे करेंगे, कल बनाएंगे, नमकीन बना लेंगे और शक्कर पारे बना लेंगे। हाँ। अगर तबीयत ठीक रही तो। और जैसे कि हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि इनको मैं दिखवा दूँ थोड़ा कहीं बड़े अच्छे डॉक्टर हैं बाहर दिखवा दूँ। है सब ठीक ठीक रहती हैं, पर थोड़ा बीच में मतलब एकदम वीकनेस सी शरीर में आ जाती है इनके, और सर दर्द होने लगता है, उसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है इन्हें। वैसे सही रहेंगी, पर बीच बीच में थोड़ा पता नहीं क्यों दिक्कत नहीं हो जाती है। तो बाहर निपटने के बाद दोस्तों जाएँ इन्हें दिखवाना है, तो देखते हैं अगर थोड़ा रिलीफ अगर मिल जाता है। वैसे आज कुछ मेडिसिन लेके आए हैं, तो अगर कुछ रिलीफ मिलता है तो खैर ठीक है, नहीं तो फिर इन्हें कहीं बाहर दिखवाते हैं, क्योंकि घर में कुछ इनके स्वास्थ्य की वजह से कोई ज़्यादा होटल काम धाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको ब्लॉग अच्छे अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं अभी, क्योंकि पर जल्दी हम लोग बैक मारेंगे और आप लोगों का मनोरंजन भी होगा और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको कुछ तो जल्दी कराएंगे हम लोग। पर क्योंकि घर में अगर कोई भी मतलब फैमिली मेंबर स्वास्थ्य में ठीक नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है, समझ भी नहीं आता है। और फिर हमारे यहाँ तो मेन फैमिली मेंबर जो हाई कमान है घर की, वो ही थोड़ा ही बीक चल रही हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे मैनेज कर रहे होंगे हम लोग। देखना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई भी है बच्चों की, वो भी यही होमवर्क वगैरह अधिकतर देखती हैं। अभी तो कुछ नहीं दिख पा रहा है, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिख पा रहा है, पर जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी बोरिंग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों के लिए अच्छा हो, हम लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। हर हर महादेव, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और होली की तरह तैयारियाँ करते रहिए, होली की तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।